You will see the presentation. The presentation will give you a lot of ideas how आप किस तरह से स्टिल लाइफ को पेंट करोगे, और जो भी आप आज की मतलब असाइनमेंट में है, जो पेंटिंग आपको करना है, दैट इज ऑन स्टिल लाइफ, पेंसिल शेडिंग करेंगे स्टिल लाइफ। तो शैल वी सी द प्रेजेंटेशन। जो भी प्रेजेंटेशन के दौरान आपको कुछ पूछना है तो दैट शुड बी थ्रू योर चैट, जो चैट की विंडो है उसी से आप हमें क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। तो नाउ आई विल शो यू द प्रेजेंटेशन, आप लोग उसको ध्यान से देखना। प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको कुछ बातें भी बताऊंगा, और दिस प्रेजेंटेशन इज ऑन अंडरस्टैंडिंग स्टिल लाइफ। कैन यू ऑल सी द प्रेजेंटेशन? गुड यस गुड, सर, ओके। आई सेड यू विल जस्ट पोस्ट इट ऑन द चैट। Don't start talking, then it will be disturb the entire thing. Yes, Rituparno, you are joining late. Can you see the presentation? So you will yes, now, sir. Yeah, yes, sir. You see the presentation, and then I'll put this presentation on the class also so that you can see it again and again. So it is understanding still life with pencil shading. See, whenever we want to paint something, we want to draw something, it is always when there are three basic things that will make your painting more and more attractive and beautiful. And they are the basic principles. जब हम painting करते हैं तो उसकी जो basic principles होते हैं वो है material। जो material को आप देख, जो भी मटेरियल आपके ऑब्जेक्ट बनेगी, उस मटेरियल को देख के आप उस पे लाइट एंड शेड अप्लाई करोगे। यू विल बी अप्लाइंग लाइट एंड शेड ओनली विद द टाइप ऑफ मटेरियल दैट यू हैव। ओके, जो आपके मटेरियल है, आपके जो भी मटेरियल सामने है, अगर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स अ सेरामिक वास, एंड देन इट इज अ प्लास्टिक बॉटल, then you have a natural, you have this apples. So sabki shading alag alag hogi. It is not going to be the same kind of shading for mute. Somebody's audio is on, please mute it, please mute the audio, audio band rakho, Rituparno, switch off the audio, everybody, otherwise you won't be able to see, you won't be able to listen to me. So light, the material of the thing that you are going to draw, the light and the shading, these are the three important things that you have to remember when you are going to draw something. Now when you look at any object, you must always see the you should always visualize that object in a geometrical form, in a 3D, three dimensional geometrical form. थ्री डायमेंशनल मतलब, जैसे अगर आप यहाँ पे क्यूब देख सकते हैं, कोन देख सकते हैं, सिलेंडर देख सकते हैं, तो जो भी है ये, अनन्या स्विच ऑफ योर वीडियो, अनन्या स्विच ऑफ योर वीडियो। तो व्हेनेवर यू लुक एट एनी ऑब्जेक्ट, नाउ यू विल ट्राई टू सी दैट ऑब्जेक्ट इन, नाउ अनदर आफरीन, स्विच ऑफ योर वीडियो, वीडियो ऑफ करो, or I'll remove you from the class. So when you look at any object, you have to see those objects in a three dimensional geometrical shape. जैसे आपके पास एक कोन है, एक बॉटल होगा, तो इट शुड बी इन अ सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ अ थिंग, इट शुड हैव द लेंथ एंड द राइट हाइट, द यू नो द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट बॉटल, तो एवरीथिंग दैट यू सी नाउ विल बी इन अ geometrical three dimensional shape. First you will start with a straight line, and now this straight line will be the height of the bottle or height of the glass or height of the object that you have. Then you are going to add in it the different cylindrical curvature that is there in the bottle. Upar mein hai, beech mein hai aur niche mein hai. तो ये सारे चीज
आपको ध्यान देना है। नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। या ओके यस ओके सर। ओके यूज द चैट। ओके हाँ मैं तो मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट एंड आई ट्राई टू फिनिश योर प्रेजेंटेशन। सी नाउ व्हेन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अभी देखोगे सपोज इट इज अ बॉटल लाइक दिस यू विल नाउ ट्राई टू सी दिस बॉटल इन अ ज्योमेट्रिकल 3D शेप। 3D शेप में आप एक बॉटल को देखने की कोशिश करोगे। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट थिंग यू विल टेक द हाइट दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन एंड देन डिवाइड द डिफरेंट कर्वेचर्स इन दैट बॉटल। जहां जहां उस पर बेंड आती है जहां से उसकी थिकनेस की पता चलती है तो वो चीज आप पहले पेंसिल से हल्का से मार्क करके रखोगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड द ड्रॉइंग दैट यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द ज्योमेट्रिकल ड्रॉइंग ऑफ द वाज दैट इज योर स्टिल लाइफ एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द शेड द एक्चुअल आर्ट वर्क दैट इज बीइंग डन बट द बेसिक इज ऑलवेज द ज्योमेट्रिकल लाइंस दैट यू हैव डन। इवन इफ इट इज अ बॉल इवन इफ इट इज अ बॉल इट हैज टू बी सीन इन अ क्यूब दैट बॉल दैट स्फेरिकल शेप ऑफ दैट बॉल सो दैट यू कैन सी द थिकनेस यू कैन सी द यू नो द एंटायर बॉल इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। अगर एप्पल है जैसे मैंने अभी कहा था व्हाट आर द थ्री बेसिक्स ऑफ योर स्टिल लाइफ जस्ट टाइप जल्दी जल्दी टाइप करो चैट में व्हाट आर द थ्री बेसिक्स स्विच ऑफ योर ऑडियो एंड जस्ट टाइप व्हाट आर द थ्री बेसिक। हरी अप अभी तो हमने वो बताया वन इज मटेरियल अनदर इज लाइट अनदर इज शेड। तो मटेरियल शेड एंड लाइट ये तीनों इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको हमेशा एक ड्राइंग को परफेक्शन अगर उसमें लाना है तो यू हैव टू रिमेम्बर कि द थिंग दैट यू आर गोइंग टू पेंट इट हैज दैट मटेरियल शुड बी ऑलवेज देयर इन योर माइंड कि ये प्लास्टिक का है ये ग्लास का है ये मेटल का है। तो आपकी शेडिंग आपकी उसमें जो भी लाइट एंड शेड की इफेक्ट्स होगी वो सब आपको उस मटेरियल जो व्यूअर होगा जो उसको देखेगा उसको आपका ड्राइंग का शेडिंग देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये अच्छा ये एक एप्पल था ये एक मिट्टी का वास था तो योर शेडिंग विल टेक देम टू दैट डायरेक्शन। हियर द फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइट। आप पहले जब द मोमेंट यू वांट टू स्टार्ट योर ड्राइंग अपने पेपर के ऊपर जैसे आपके व्हाइट शीट है तो उसके ऊपर में आप पहले एक व्हाइट एक मार्क करोगे दैट मार्क शुड बी से यू हैव अ व्हाइट पेपर लाइक दिस ऑन दिस आइदर ऑफ द टू पॉइंट्स यू विल हैव टू पुट अ डॉट। दिस डॉट विल एक्चुअली बी योर दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ओके जहां आप डॉट दोगे तो पूरी ड्राइंग जो भी आप इसमें बनाओगे उस ड्राइंग पे लाइट कहाँ से आ रहा है दैट डॉट इज गोइंग टू टेल यू दैट ओके माय लाइट विल कम फ्रॉम द टॉप कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर और द राइट कॉर्नर और फ्रॉम सेंटर। ठीक है तो जिससे अभी आप ये देख रहे हो कि दिस एप्पल हैज बीन ड्रॉन एंड द एप्पल इज ड्रॉन इन अ वेरी वंडरफुल वे। यू कैन सी द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टॉप लेफ्ट सो द डार्क इज ऑलवेज ऑन द विपरीत जस्ट बिहाइंड दैट एप्पल यू कैन सी द डार्क शेडिंग ऑन दिस यू कैन हैव सी द लाइट कमिंग फ्रॉम द टॉप। ऊपर से लाइट है और वो भी एक कॉर्नर जो आपके पेज के एक कॉर्नर में है सो यू कैन सी द लाइट फॉलिंग ऑन इट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज द स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ को आप किस तरह से अरेंज करेंगे दिस इज वन ऑफ दी टेक्निक। अगर कोई प्लास्टिक का मग हो मेटल का मग हो तो सेरामिक का मग है तो उस चीज को उस मटेरियल के विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ शेडिंग यू आर गोइंग टू अप्लाई। आप शेडिंग किस तरह से करना चाहते हैं
वो उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल में किस तरह की शेडिंग अप्लाई करोगे। अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू लुक एट अ बॉटल यू हैव टू नाउ लुक एट अ बॉटल इन अ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप इज यू फर्स्ट यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड देन यू हैव द कर्वेचर्स ऑफ द बॉटल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन ओनली यू कैन मेक द ड्रॉइंग ऑफ bottle correctly. If it is a glass bottle, then the effect should be that glass effect should be there in the shading. ये एक बिस्लेरी का बॉटल है, प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल। उस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल में यू कैन सी द ग्रूव्स, जो ग्रूव्स है उस बॉटल के अंदर, वो सारे ग्रूव्स में आप देख सकते हैं इस ग्रूव में किस तरह से आर्टिस्ट ने इसे शेडिंग किया है, रिफ्लेक्शंस को बरकरार रखने के लिए ही हैज मेड द शेडिंग सो परफेक्टली दैट यू कैन सी एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस इट इज अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। दिस इज अ सेरामिक या चाइना क्ले का कोई यूटेंसिल्स है, यू हैव अ जग एंड यू ऑल्सो हैव अ स्मॉल बाउल। सो बिकॉज इट इज अ पोर्सिलिन सेरामिक है या मिट्टी का बना हुआ है, तो उसके हिसाब से इसकी शेडिंग हम करेंगे। दिस इज अ मेटल लॉक ऑन अ वुडन डोर। तो डोर का ट्रीटमेंट अलग होगा, लॉक का ट्रीटमेंट अलग होगा। ये चीज अगर आप दिमाग में रखेंगे, जब हम आज जैसे हमने आपको असाइनमेंट दिया है स्टील लाइफ, तो आप घर में अपने किचन में हो या कहीं भी जो भी चीज आपको मिल जाए कि हाँ इसको हम रखते हैं सामने और रख के इसकी हम स्केच बनाएंगे, इसको बढ़िया से हम ड्रॉ करेंगे, तो आप कोई भी मटेरियल ले लीजिए, इट कैन बी अ ग्लास, इट कैन बी अ यूटेंसिल, इट कैन बी अ कप एंड प्लेट, सॉसर, तो यू कैन कीप देम इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन मेक द ड्रॉइंग। याद रखना है आपको दैट द मटेरियल इज फर्स्ट यू हैव टू रिमेम्बर एंड द लाइट सोर्स, द डिफरेंट लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन द मटेरियल। These are the different effects that you can create with a light and shade falling on your that material that is your object. Okay, now this is a glass. Okay, what glass is this? ये कौन सा ग्लास आपको दिख लग रहा है? वाटर ग्लास। एक ग्लास है, कांच का है। हाँ, कांच का है, उसमें थोड़ा सा पानी है और उसके ऊपर में रिफ्लेक्शंस, इस तरह से पानी के ऊपर लाइट पड़ा है कि आप इसको, इसकी जो लाइट एंड शेड उस ट्रांसपेरेंसी में बन रहा है वही आपकी इस ड्राइंग का शेडिंग का वही होगा आपका मेन एरियाज दैट यू हैव टू फोकस। Okay, so I have come to the end of the presentation. Now, अभी जो हमने प्रेजेंटेशन आपको दिखाया उसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, now you can ask me one by one. Now you can switch on your videos. आप लोग अपने वीडियो ऑन रख सकते हैं। Yes, Ritupurna, where are you? Who wants to ask? Raise your hand first. Raise your hand. Yes, 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 yes. I don't see your face. I am seeing your ceiling of your house only. Mobile ko niche karo apne taraf. Okay. Shraddha, do you want to ask anything? Shraddha, do you want to ask? Jo presentation aapko dikhaya maine, kuch aapko puchna hai? Hurry up. Where is Jiddu Borno? ऋतुपूर्ण क्लास में है? है। आस्क समथिंग जो प्रेजेंट कलर अलग अलग आपको बी पेंसिल के सारे ग्रेड्स आपको यूज करना है, बी टू बी थ्री बी फोर बी सिक्स बी, यू हैव टू यूज ऑल योर शेडिंग्स। इट्स नॉट दैट यू विल यूज ओनली वन एच बी पेंसिल, उसी से आप घिस घिस के पेंटिंग बनाओगे, वो पेंटिंग नहीं
है, दैट इज नॉट आर्ट. यू मस्ट हैव योर ऑल योर बी पेंसिल्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑल द ग्रेड्स ऑफ बी पेंसिल? Sir, I have. Sir, I have. Me. Now you have. Those who have, which one you have? Sir, you I have. Good. Sir, I don't have. Those who have, you will have to start. Yes. Okay. Good. You have to make it with all the shading. You will start your pencil, your drawing using a B pencil. B pencil use करेंगे उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता आप develop करते जाओगे. B से 2B, 2B से 3B, 3B से 4B और 4B से 6B. अगर आपके पास 6B के ऊपर भी पेंसिल है, वेल एंड गुड. बट यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द पेंटिंग यूजिंग ऑल दोस बी ग्रेड. अगर आप वो पेंसिल्स शेडिंग पेंसिल यूज नहीं करेंगे तो वो पेंटर आई मीन योर ड्राइंग विल नॉट हैव दिस काइंड ऑफ इफेक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया. उसमें सारे पेंसिल्स के ग्रेड यूज किए हैं एंड यू हैव टू यूज ऑल द ग्रेड्स. ओके, इफ यू डोंट हैव इट, get it, get the pencil shading, you know, that one set of pencil shading pencils, it's available. You can ask any of your shop nearby, you can ask them to give you one packet of those. They'll get it for you. Yes. Ituborda, if you don't have a question, mute your audio. Mute your audio. Bol. Sir, pencil ke sath pen to use nahi kar sakte na. ना 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 ना, पेंसिल शेडिंग का क्लास चल रहा है, पेन क्यों यूज करोगे? क्लास पेंसिल शेडिंग का चल रहा है तो पेन क्यों यूज करोगे? जब पेन का क्लास आएगा मैं आपको पेन, इसके बाद अभी जुलाई में हम लोग सिर्फ पेंसिल शेडिंग करेंगे ताकि आपके पूरे पेंसिल शेडिंग में कम से कम 5-6 बढ़िया बढ़िया काम बन जाए. उसके बाद हम लोग दूसरे मटेरियल पे जाएंगे. सो एवरीवन मस्ट हैव योर मटेरियल्स विद यू. ओके, अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, ट्राई टू गेट इट, ऑर्डर इट थ्रू अमेज़न, यू विल गेट इट टू एट योर होम डिलीवर्ड. वो सस्ता भी होता है और वैरायटी भी मिलता है उसमें. अगर आप शॉप्स में नहीं जा सकते हैं अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो यू डोंट गो टू द शॉप, आपको अपने घर बैठे ही सारे मटेरियल मिल सकते हैं. ओके सर, अगर बी पेंसिल नहीं है तो एच बी यूज कर सकते हैं. एच बी से पेंटिंग नहीं करते हैं बट टू मेक द बेसिक ड्रॉइंग बड़ा हल्का से आप एच बी पेंसिल से कर सकते हो. बट डोंट यू नो ट्राई टू कंप्लीट द पेंटिंग यूजिंग अ एच बी पेंसिल. नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. सब लोग चैट में मुझे आंसर दोगे. ओके, स्विच ऑफ योर ऑडियो एंड जस्ट गो टू द चैट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंसिल्स आर देयर? जल्दी जल्दी डोंट वहां पे टाइप करो जल्दी जल्दी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंसिल्स आर देयर? 5, 10, 15, 6, 8. ओ तो आप लोगों को यही पता है कि यू हैव. गुड आफ्टरनून. अभी अभी कहां से आ गया? क्लास कब से चल रहा है? ओके नाउ स्टॉप, एवरीबॉडी इज गिविंग ऑल दिस 12, 13, 14, 15. लीव इट, नाउ आई विल गिव यू द आंसर. ओके, स्टॉप द चैट नाउ, बंद करो. हो गया, नन ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. ओके, प्रिस्टिका, प्रिस्टिका, यस सर, वेयर आर यू? रेज योर हैंड. प्रिस्टिका, हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंसिल्स? यू सेड टू, व्हाट आर दे? ऐसे ही कुछ नंबर देना था क्या? बोलो बोलो सर. आई थिंक दैट नॉर्मल पेंसिल्स एंड द शेडिंग पेंसिल्स. ओके 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 ओके, अभी आप लोग अपना कॉपी निकालो, उसमें लिखो द आंसर्स जो मैं दे रहा हूं. दे आर बेसिकली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, टू ओनली टू, हार्ड पेंसिल्स एंड सॉफ्ट पेंसिल्स. 8 पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स, 12 पेंसिल्स ऐसा नहीं है. अप्सरा, कैमलिन, ग्लोरी, फ्लोरा, कोहिनूर, ये सारे पेंसिल्स, दे आर नॉट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, दे आर द कंपनीज दैट दे मेक द पेंसिल्स. सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, वन इज द सॉफ्ट पेंसिल एंड अदर इज द हार्ड पेंसिल. और दुनिया में सबसे ज्यादा पेंसिल जो यूज होता है वो कौन सा है?
which is the mostly used pencil in the world. सबसे ज़्यादा सर सॉफ्ट पेंसिल सर कलर पेंसिल्स सबसे ज़्यादा पेंसिल जो यूज़ करते हैं वो दैट इज एचबी पेंसिल एचबी अभी सबके पास एचबी पेंसिल होगा दुनिया में एचबी पेंसिल मतलब क्या होता है इट इज फॉर राइटिंग आ रहा है आई एम कमिंग टू इट डोंट जंप एवरीबडी यूजेस द एचबी पेंसिल स्टूडेंट्स हो कोई भी हो सबके पास एक एचबी पेंसिल घर में होता ही है सो एच एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल वन इज द हार्ड पेंसिल एंड अनदर इज द सॉफ्ट पेंसिल तो आपके पेंसिल्स पे एक देखो मैं जहां पे लिखा रहता है कैमलिन वगैरह तो वहां पे ना ऐसा बी पेंसिल 2B 3B 4B HB ऐसा लिखा रहता है देखा आपने पेंसिल में हां जब हम पेंसिल सर मेरे में HB 2 लिखा हुआ है पेंसिल पे एक साइड पे लिखा रहता है HB एक्स्ट्रा डार्क सर मुझे मेरे भी है सर मेरे में लिखा है HB 2 सर मेरे में HB Now these pencils are okay. बस सबका लिखा हुआ है मुझे मालूम. Now wait. कोई तो switch off your audio. Now these pencils are made for particular kind of application. सब pencils सारे काम के लिए नहीं होता. When I say there are two different pencils, one is the hard pencils. The hard pencils are written as H, H, 2H, 3H and 4H. Then you have the B pencils जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने यूज किया है B 2B 3B 4B 6B 8B Now these two different kind of pencils are used by different people but B pencil B 2B 3B 4B 6B these pencils are used only by artists only by students of art जो painting करते हैं वो ही ये B pencils को use करते हैं बी पेंसिल्स का यूज ओनली बाय आर्टिस्ट्स एंड एच पेंसिल्स एच 2H 3H 4H आर यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स प्लानर्स एंड जो एयरक्राफ्ट में नेविगेटर्स होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं सो दे यूज एच पेंसिल नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एच एंड द बी पेंसिल एच पेंसिल्स मेक अ वेरी फेंट हल्का सा एक इंप्रेशन करता है जो इजीली इरेजेबल होता है तो जो एक आर्किटेक्ट होते हैं या डिजाइनर्स होते हैं दे यू नो हैव टू मॉडिफाई देयर डिजाइन एवरी टाइम दे रिव्यू व्हेन दे कीप ऑन मॉडिफाइंग देयर डिजाइन इफ दे यूज अ एचबी पेंसिल और अ बी पेंसिल अनुभव म्यूट योर ऑडियो एवरीबडी शुड म्यूट द ऑडियो So when these architects and the designers and the planners, they keep on designing their work, they require modification of their designs every day. So if they use HB or B pencils and they keep on erasing it, ek samay aa jayega jab unke drawing jo hai wo dirty ho jayega. That paper will not have that much kind of strength to bear the shading and the erasing that is happening. So they start with H pencils and they go down to H and then finally to HB. So जैसे जैसे drawing उनका perfect होता रहता है वो H 4H से लेके 3H 2H H पे आ जाता है जैसे HB में आ गया तो थोड़ा उसका drawing जो है वो permanency की तरफ जाता है इसके बाद उसमें ज्यादा changes नहीं होता But if, when the artist or student of art they use the pencil B pencil They start the pencil using a B pencil. The drawing using a B pencil. हल्का होता है B pencil shading के लिए. फिर उसको जैसे जैसे उनको लगता है कि हाँ मेरा painting अच्छा बन रहा है. If the painting is becoming good, perfection is coming in that painting. They start using 2B, 3B, 4B, 6B. Finally they end their painting totally complete हो जाता है जब वो 6B pencil use करते हैं. You don't start making a painting using a 6B pencil. You always start making a painting with a B pencil. So it is just the reverse. The artists move from light to dark, and the architects they move from dark to light.
from light to dark, and they also move from light to dark. But they move in a reverse way, 3H, 4H, you know, 4H, 3H, 2H, and H, and they come to HB. And artists move from B, 2B, 3B, 4B, 6B. So is it clear? Abhi agar koi aapko puchega kitne tarah ki pencils hai, aap kya bataoge? Two types. Do tarah ke. Two types. Okay. Ritu Barno, is it clear? How many types of pencils are here? You may have 30 different types of pencils, but basically, pencils are only two types, hard and soft. ठीक है, अब आते हैं assignments में. जो आज आपके assignment मैंने दिया, that is still live. You want to ask a question? Yes, Krishika, ask. Sir, I want to ask that when we are going to make a drawing with B pencil, then we will make that drawing only with B pencil, or we can use 2B, 3B, 4B, 6B. तो अभी मैंने क्या बोला था आपने सुना ही नहीं है क्या? Sir, you will start the pencil with the B pencil and then keep on shading it with 2B and aisa aisa 3B, 4B, 5B, 6B में जाओगे तब तक आपके pencil complete हो जाना है. आप 6B से start करके B में ही end कर दोगे तो painting में shading नहीं आएगा. उसमें 2B, 3B, 4B, 6B सब आना चाहिए. लेकिन वो आएगा जैसे B में आपने you have already painted the work, you have already made the drawing, you have started with the B pencil, थोड़ा सा उसमें addition कर दिया, तो आपको उसमें और थोड़ा सा darkness चाहिए. तो every time you want to add darkness, you have to add another B pencil. That is 2B, then 4B, then 6B, then 8B. Yes. Sir. सर ड्राइंग करते वक्त पेंसिल को डार्क क्यों नहीं चलाते? ड्राइंग करते हुए पेंसिल डार्क अगर पहले ही आप डार्क कर दोगे तो इरेजर इरेज करने के बावजूद भी उसमें मार्किंग रहेगा, आपके ड्राइंग ज्यादा डर्टी हो जाएगा. इसलिए ड्राइंग की शुरुआत हमेशा हल्का मार्क से करना चाहिए ताकि उसको हम दैट इज व्हाई डू यू मेक अ यू नो मार्क, व्हाई डू यू वांट टू मेक अ मार्क? Just to see that whether your drawing is perfect. So drawing perfect एक बार में तो नहीं होगा. उसको perfection लाने के लिए बार-बार उसमें erase करने पड़ेंगे. जब तक आप उसको erase करोगे, कुछ ना कुछ उसके residue paper में रह जाएगा. So to avoid that, you should always make the drawing in a very light paper. Pencil को बड़ा हल्का से paper के ऊपर देना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि आप बहुत लोग क्या करते हैं, Quincy, switch off your audio. If there is an audio on, I am going to remove you from the class. सब अपने audio off करके बैठेंगे. जब आप कभी HB pencil भी class में use करते हो और उसको बहुत deep करके उसमें आप marking करते हैं, तो आप ध्यान देना कि वो दूसरे page में भी चला जाता है. Yes or no? पहले वाला page में आपने बड़ा जोर से कुछ बना दिया, तो next page turn करके देखो क्या आ जाता है. तो ये सारे चीज आर्टिस्ट के लिए अच्छा नहीं है. आर्टिस्ट शुड ऑलवेज बी वेरी मच यू नो अपने काम के प्रति उनका वो होना चाहिए, डेडिकेशन एंड डिवोशन, सो दैट आप जिस पेज में काम कर रहे हो आप उसी पेज के ऊपर काम करोगे. यू शुड नॉट शिफ्ट इट टू अनदर पेज. इसलिए हल्का पेपर पेंसिल जो है बड़ा लाइटली यूज करना है पेपर के ऊपर. और सब पेपर का एक मतलब एक ड्यूरेबिलिटी होता है, एक लॉन्जिविटी होता है. सारे पेपर को आप इतना बार बार रबर से घिस सकते हैं ऐसा नहीं है. तो ज्यादा पेंसिल मार्किंग को घिसना शुरू कर दोगे, इरेज करना शुरू कर दोगे, तो आपके पेंसिल्स आपके जो पेपर है उसकी क्वालिटी उस पेपर उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. सब पेपर का एक लिमिटेशन है. इससे ज्यादा उस पर आप जोर से इतना बार बार इरेज नहीं कर सकते. तो आज आप लोग जो भी स्टिल लाइफ बनाएंगे वो स्टिल लाइफ आपके घर में जो भी चीज मटेरियल आपके पास सामने है सुंदर से उस चीज को अपने सामने बनाओ, रखो, रखने के बाद उसको पेंट करो, मेक अ पेंसिल शेडिंग. याद रखना कि दिस मंथ लाइक वी आर गोइंग टू कंप्लीट एटलीस्ट 6 पेंसिल शेडिंग्स. तो 6 पेंसिल शेडिंग आप सबको कंप्लीट करना है. अभी तक आपका बहुत लोगों ने सिर्फ 2 ही कंप्लीट किया है,
सो टुडे विल बी द थर्ड वन. सारे लोग अपने अपने पेंसिल शेडिंग्स को अपलोड करना असाइनमेंट वाली पेज में, डोंट अपलोड इट ऑन द क्लासरूम पेज. अगर वहां करोगे तो मैं आपका मार्किंग नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू एनी पॉइंट्स फॉर दैट. सो प्लीज रिमेंबर, डोंट अपलोड एनीथिंग ऑन द क्लासरूम वॉल. द अदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर, दे आर थिंकिंग दैट आई हैव जॉइंड द क्लास. चलो आर्ट क्लास में भी अभी 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे हम अटेंडेंस दे देते तो मेरा अटेंडेंस हो गया. डोंट थिंक, अगर आप वहां पे 10 बार भी अपने अटेंडेंस दोगे तो भी वो माना नहीं जाएगा. आपके अटेंडेंस तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप उसको गूगल वाला शीट में क्लासरूम के दौरान आप जब तक उसमें अटेंडेंस नहीं देते. और जो लोग क्लास में अटेंड किया आज, हमने उसको देख लिया हाउ मेनी पीपल हैव अटेंडेड द क्लास. आई वॉन्ट एग्जैक्टली द सेम टाइप ऑफ अटेंडेंस इन द अटेंडेंस शीट. ठीक है, इज इट ओके? यस. I still now have 39 people who have taken the attendance, but then there are more than 44 students in the classroom. Everybody should take your attendance through the Google Sheet, not in the class. Yes, Pradeepto. Pradeepto. इसे मतलब क्लास के दौरान ही अटेंडेंस देना है. और क्या, क्लास के बाद देना है कि क्लास के पहले दे सकते? जब आप क्लास में रहोगे तभी ना अटेंडेंस दोगे, उसमें आपका टाइम भी आ जाता है आप कितने बजे अटेंडेंस देते हो. Yes, sir. So, now I have made it very easy for you. आपको उसमें ना कुछ टाइप करना है ना कुछ.